जी बताना चाहेंगे एमबी न्यूज के दर्शकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तबीयत खराब हुई है। जी हाँ, लगातार दिल्ली राजधानी दिल्ली के तमाम सूत्रों की हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माँ को जो है दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक रूप से जो जानकारी एमपी न्यूज तक पहुंची है उसके मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, इसी के साथ साथ उनकी माँ की तबीयत भी खराब है, लिहाजा उन्हें भी जो है दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमपी न्यूज के दर्शकों को बता दें कि फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, टेस्ट भी करा लिया गया है और प्रारंभिक तौर पर ये बात निकल कर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर देने वाली खबर है। जिस तरह से लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले काफी लंबे समय से सुर्खियों में बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उसके बाद से लगातार देश में COVID-19 का कहर देखने को मिला था। तमाम राजनेता जो है अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जनता को जागरूक करने की बात कर रहे थे, उसी क्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी हाँ, फिलहाल ये खबर दिल्ली से निकल कर आ रही है, बड़ी खबर है, कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का विषय बन रही है। लगातार फिलहाल बताया जा रहा है कि दोनों को ही, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माँ को जो है मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, कोरोना का इलाज भी जो है शुरू कर दिया गया है। पिछले लगातार 4 दिनों से जो है तबीयत खराब होने की शिकायत यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे थे, तो फिलहाल जो अपुष्ट जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया को हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत मिली थी, इसी के साथ साथ उनकी माँ की तबीयत भी खराब हुई, लिहाजा दोनों को जो है अस्पताल में भर्ती किया गया है। देखना होगा कि कैसे अब जो है शाम तक जो मेडिकल बुलेटिन जारी होता है और क्या पूरी जानकारी निकल कर आ रही है, आखिर कहां से जो है संक्रमण ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर तक पहुंचा और किस तरह से अब उनका इलाज जो है लगातार अस्पताल में किया जा रहा है।